अब हम पहुंच गए हैं बताल। यहाँ कुछ 14 फीट है, भैया ने बताया। कल रात को तो बहुत ज़्यादा ही कांड हो गया था, बारिश भी हो गई, लैंडस्लाइड भी हो गया। शाम को 7 बजे की बात है, हमने सोचा रुक जाते हैं, भैया मिल गए, इनका कैंप साइट है, यहीं रुक गए। टेंशन कैंप, यस। बस बाइकें यहाँ लगी है, एक टेंट ये लिया था, एक टेंट ये लिया था। थोड़ी देर I'm of the management of camp of Patal, and this. बस भैया शर्मा रहे लगता थोड़ा कैमरे में, कोई नहीं, काफ़ी अच्छी जगह है, व्यू तो बहुत ही अच्छा है इधर का। सुबह सुबह उठ के बस क्लाउड्स ही देख रहे हैं हम लोग। बस निकलने का प्लान है। कैंप का प्राइस कितना था अपना? कैंप प्राइस खाना पीना इंक्लूडेड, डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों। खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का। बस अभी ये व्यू देखते हुए वापस निकलेंगे मनाली। बाकी बातें मैं बताता हूँ। गाड़ियाँ कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं और साउंड सब पैक कर रहे हैं। उधर 2 बाइक लगी है, इधर इसमें भी काम चालू है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। बस निकल रहे हैं यहाँ से। ये रहा हमारा रूम, मस्त 4 बेड पड़े हुए थे, सब अपना अपना कोना पकड़ के लेट गए। यहाँ पे वॉशरूम अंदर की तरफ है, जो मैं दिखाऊंगा नहीं। अरे वॉशरूम कौन दिखाता है यार, अजीब लगता है। मस्त मोटे मोटे गद्दे, रात में तो बोल रहे थे यहाँ पे 3-4 डिग्री घुस गया था। अरे ठीक है, कोई नहीं, बस यहाँ से निकलते हैं और मैं कल का सीन बताता हूँ। और ट्रिप में चेंज आ गया कुछ। वो ब्रिज से स्पीति का रास्ता शुरू, बट हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब सीधा मनाली। स्पीति का तो छोड़ दिया हमने, चलो। बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया, व्यू भी मस्त है, जगह भी मस्त है। भाई का तो ख्याल ही रखा है, तभी हम 1-2 दिन लेट ही चल रहे हैं अभी। मुंबई मिलते हैं, नंबर कैसे? पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। चलो यहाँ से बैक टू मनाली। ये तो अपना टेंजिन कैंप बताल। अब बस यहाँ से वापस रिटर्न। हो एक कैंप ये भी था, बट जब तक हम टाइम पास करते रहे ये भर गया। कल अराउंड 5-5:30 हम यहाँ पहुँच गए थे। जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा आगे गए, लैंडस्लाइड हो गया। अब लैंडस्लाइड के बाद उन्होंने बोला कम से कम 1-2 घंटा लगेगा, जो गाड़ी लेके आए थे उसकी बैटरी डाउन हो गई। मेला हो गया काम, वो आगे पीछे सब जगह ट्रैफिक लग गया भाई, हालत ही ख़राब हो जाती लोगों की सोचिए देख के। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, बारिश भी होगी। हमने सोचा 20-25 किलोमीटर आगे खींच देते गाड़ी, 7 बजे तक रोड क्लियर हो गया था। फिर भी उन्होंने बोला चलो कॉल लेते हैं, रात को यहीं रुकते हैं। और मेरा पिछला बंदा, उसकी भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको माले ड्रॉप करेंगे और उस बेचारे का ट्रिप ये ख़त्म। उसको भी ले जाना था, बट क्या व्यू है ये वाला, सुबह सब यही देख रहे थे। ओहो, कल रात को भी बोल रहे थे 3-4 डिग्री हो गया था टेम्परेचर। हम तो भाई रात को 8 बजे डिनर करके बिस्तर पर पड़ गए, सुबह 5 बजे उठ गए, बस चाय कॉफ़ी खेला, उसके बाद अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी निकल रहे हैं बहुत आराम आराम से, नींद कंप्लीट करके 8-9 बजे। कल तो कितना 10 बजे के आसपास तो हम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, वरना 2-3 घंटे में और थोड़ा आगे का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो स्पीति होने का चांसेस था, बट चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे वहाँ पर। मेरा मेन टारगेट था लद्दाख, मैंने ला इधर आए हैं ज़रा, तो इधर के भी राउंड मार रहे थे मनाली के बाद, फिर वो ना डिस्कशन करते 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 चले गए ऐसे ही ऑन द स्पॉट प्लानिंग करने का। चलो बुलावा आया है वाटरफॉल ने, बोला क्या हो गया? अच्छा मेन ट्राई रहता है कि पैर ज़मीन पे टच ना कराएं और सीधा निकाल दे, जैसे अभी निकाले। बस
अब यहाँ रुक के इनका वेट करूँगा। ओए होए, पैसा वसूल ही हुआ ये भी। हाँ, मजे ही मजे। इतना गहरा नहीं था, ये तो हल्का सा ही था। हल्का सा था, इतना गहरा भी नहीं था। गहरा नहीं था। हो, कल आते वक्त तो ये स्टीप इतना दिख नहीं रहा था, बट अभी आए है। अच्छा, उसने उसे उतार दिया नीचे कराने के लिए। मैं मेरा बंदा पीछे बैठा के चढ़ाऊंगा ऊपर। चल मेरी धन्ना, जपा जप जपा जप। पहुंच गई। ऐसे दो तीन और होंगे आगे। ओहो, क्या बादलों से माउंटेन कवर्ड। बचाव में ही बचत, वही तो है। अब तो रास्ते ठीक हो गए आगे थोड़े बहुत। आगे बस दो तीन पॉइंट है जहाँ पे अच्छा खासा वाटर क्रॉसिंग है और थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, उसके बाद तो सब रास्ता साफ ही है अपना। वेलकम टू लाहौल स्पीति। छत्रु 17.5, छत्रु एक पॉइंट है यहाँ पे जो आएगा। कॉक्सर 41, मतलब 40 किलोमीटर दूर है हम लोग। रोहतांग 50, मनाली 101। बस ये 40 किलोमीटर क्रॉस करना है, फिर इसको बस वसों में बैठा देंगे मनाली के लिए, वहाँ से निकलेगा आगे। हो, मैंने कुछ सर्च नहीं किया किसी पॉइंट के बारे में, मेरे लिए सब कुछ नया नया सही है। मैंने खाली पॉइंट्स के नाम देखे और बोला चलो यहाँ चलते हैं बस। उन्होंने बोला था 8-10 घंटे लग जाएंगे। गूगल मैप बताता है अरे 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे। बोला ठीक है देखते। क्या व्यू दिख रहा है ये वाला, स्ट्रेट लाइन पे, नेक्स्ट लेवल। रोड अच्छे हैं, खाली वाटरी पॉइंट पे थोड़ा इशू हो जाता है वाटर क्रॉसिंग मारते हुए। अब तो थोड़ा जल्दी निकल गए तो थोड़ा अपने को वाटर क्रॉसिंग में पानी कम मिलेगा, वरना कल दोपहर तक तो हालत ख़राब ही हो गई थी। चलो देखते आगे चलते। इधर का सबसे लंबा वाला ये वाटर क्रॉसिंग है। ओहो, दूर तक पानी रहता है। कल तो हम लोग दोपहर में आए थे तो यहाँ पे हमें पानी ज़्यादा मिल गया था। लोगों की ऑल्टो बिल्टो सब ऐसा फंसी हुई थी यहाँ पे। हम तो फिर भी धीरे धीरे करके निकाल लेते थे। पत्थर वत्थर सब डाल के सबकी गाड़ियाँ खींची गई है। वाली ठंड है इधर। बस यहाँ के से ऊपर निकाल के हल्की हल्की सी ये जगह। 4x4 गाड़ी के लिए सही है, वरना फिर उतर उतर के पत्थरों से लाइन बना के गाड़ी निकालनी पड़ती है। और कल तो इसका फ्लो बहुत ज़्यादा था। बस वही दो मेजर वाले थे क्रॉसिंग्स जिनमें इशू होता है, बाकी आगे तक रोड एकदम मक्खन है। ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर बाजू में, सामने हम। चलो आगे चलते। ओहो, आगे मिल गई बकरी गैंग। जम मार गई। ओहो चलो, ये लोग रास्ता तो दे रही है, वरना कुछ कुछ होती है जो रास्ता भी नहीं देती। भाग गई। यहाँ पे तो एकदम धीरे धीरे बाजू से निकालना पड़ेगा इनके, यहाँ नहीं सुनती है। आए आए आए, बकरियों बेचारी डर जाती है बाइकों को देख के। हुड़ी बाबा। और सबसे बेस्ट, इधर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, बराबर साइड साइड से निकल रहा है, वरना सारी बकरियां सब रोड घेर कर लेती। कल जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था इन लोगों के साथ, भाई पूरा रोड घेर लिया था। लोग गाड़ियों से बाहर निकलने हाथ मार मार के भगा रहे हैं। अला साहब, डाउनहिल पे कल ज़्यादा ही पानी था इस तरफ। आज तो फिर भी, ओहो बड़े बड़े पत्थर।
आजा उतर जा। एक सेकंड ना, और पोर एक सेकंड पिछले निकल गए ना। क्या हो गया ये? काले धुएं गाड़ी के बच्चे। अच्छा कल इधर ही था वाटरफ्लो ज्यादा वाला, छत्रु ट्रैक पॉइंट एरिया पहुंचे हम लोग। कल वहां खड़े के फोटो खिंचवा रहे थे। ये अपना वाटर क्रॉसिंग इस पर ब्रिज बन गया। वेलकम टू छत्रु 3200 meters। चलो ऑफ रोडिंग का पैच अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। स्पीति का ट्रिप करने निकले थे, बतासन का ट्रिप हो गया, वहाँ से वापसी मार दी। ट्रक आ रहा है अटल टनल 12। यहाँ पे भी मतलब काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 पॉइंट पे रोड क्लियर कर रहे थे। बस चलो ज़रा इधर का मैं क्लियर करता हूँ फिर बात करता हूँ। ओहो ये टर्न्स, अब यार बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा इस रोड पे। ऑफ रोडिंग में क्या भारी, मतलब ऑलमोस्ट बंदा बोल तो रहा उसका वेट है 75-80 के बीच में कुछ, उसको लेके ऐसा चलाना आगे पीछे आए है। गाड़ी फिर भी खींच गई हर जगह से, बिना रुके बिना गिरे। यहाँ डिसाइड करते हैं अभी क्या प्लान होने वाला है इनका। हमारा प्लान तो ले जाने का है, आज देखते मिड पॉइंट कहीं पर भी रुक जाएंगे, कल पहुँचेंगे ले हम लोग। तो डे 4 के तो कुछ भारी ही मज़े चल रहे हैं अभी। बताल ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म। अब कल बता रहे थे कि ये रिवर पे एक बंदा बाइकर था, वो फ़ोटो खिंचवाने जो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे ना, वहाँ से नीचे गया, फ़ोटो खिंचाते खिंचाते निकल गया। इसका वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा था, मतलब अभी मिल नहीं रहा, गाड़ी भी उसकी वहीं पार्क थी। मैं ओ यार बंदे इतनी दूर से ट्रैवल करते आते हैं यार, ऐसे उल्टे सीधे हादसे हो जाते हैं। बाइक भी उसकी वहीं रखी हुई है, क्या सीन हो जाता है ना कभी कभार भी। अभी तो अटल टनल जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे बैठे हम लोग। वो फ्रेंड का बस फ्लाइट सब करा दिया है, वो निकलेगा अभी मनाली से चंडीगढ़ और वहाँ से उसकी फ्लाइट है और वो बैक टू मुंबई। हो उसको छोड़ने के बाद अभी तो 7 बज गए हैं। यहाँ से प्लान है जिस पार रुकने का और फिर कल सुबह वहाँ से निकलेंगे अपन लद्दाख के लिए, जो अपना मेन टारगेट ट्रिप था या है, ट्रिप था क्या, पहुँचे भी नहीं अभी तक। ये रहा अपना अटल टनल, लेफ्ट राइट देख लेते हैं। 7 बजे के बाद यहाँ से मनाली के लिए बसें नहीं मिलती, हम बैठ के वहाँ टाइम पास कर रहे थे। चलो पीछे क्लियर, आगे भी क्लियर। 2 मिनट लगा, एक ओमनी मिल गई उसमें बैठा दिया, वो उसको मनाली छोड़ देगा। रात को 9:30 बजे से मनाली से उसकी बस है, आराम से जाएगा वो। ऑलमोस्ट 8 बज गए, थोड़ा थोड़ा सा लाइट है यार। इधर भी हाई बीम की बीमारी सबको है, यहाँ पागलों की तरह ओवरटेक करते एक दूसरे को, जैसे पता नहीं नहीं पहुँच पाएंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे सब जगह का यही दिक्कत है सिंगल लेन रोड्स पे, क्या बोलने का पब्लिक को। सर्चू 119 अपना पीछे वाला राइडर, क्या पीछे ना, थोड़ी बहुत ठंड बढ़ने लग गई बट नॉट अ प्रॉब्लम। अब वो ससुराल चला गया है यार, पीछे का सीट बड़ा खाली खाली सा लग रहा है।
तो कल हम प्रॉपरली ले के लिए निकल जाएंगे। अब ये वीडियो कैसे एंड करूँ, इधर करूँ या होटल में जाके, चलो इधर ही एंड करते। चलो देन, कल आ जाना, लद्दाख घुमा के लाता हूँ।